जिन्हू चबड़ जाए ना फिर भावे ढोल पै बजाओ भावे बांगा पै दो मगरों नहीं लगता। मैं पूछना तू इत लैन की आया तेरा भी हक बनता सी बोलन का गल है कि तुम भी कभी बंदे के पुत्र का काम नहीं किया इस काम के नेड़े मैं भी कभी नहीं लगा कान टुटा लगो नहीं पर जब मान खाधा ना तो कान टुटिया का ही खाधा तो वह खान लिया आए हैं जिंदगी की खैर हो रही ही कहना सही ना एक मिनट कर ला सुना बंदा ये मैं लगा ही बड़ा लालची साढ़े बड़े काम करेगा तू रख बिल्कुल सारी गल मेरे तो सुन इधर आओ की करना नहीं कुदर पुदर लगे मरदा को मैदान गल करो उस जी गल की खुली की मैदान की नहीं की नारे यार मैं ताे कोई रिश्ता मान रिश्ते बड़े रिश्ते पुत्र रिश्ता कर देंगे अच्छा तुम शादी खाना आबादी का दफ्तर भी खोले होया तो शादी के खास मतों भी लुट दो लगे मैं पूरे कन टुटे हो मेरे मतलब दो हुक्म करो हाँ की काम है चलो मार जाओ यार जाओ वो आपस गल करनी होती है एवं सिर से खड़ोते रहने डांगा फट के दसो गल एक तो बंदा बड़ा काम वाला किस्सा एवे कि साढ़े पिंड भी एक कुड़ी है ते उदा निकाह अज तो 15 साल पहले मौला दाद बल फजल दाद दे नाल होया सी ते फिर तुहानू की तकलीफ जो होया सी नहीं तकलीफ कोई नहीं कपड़े ना खराब कर देना रो पर नहीं पर ही है मैं बड़ा रो ना मेरी गल तो सुन पुत्र ना उस कुड़ी दा जरीन है अच्छा शादी हुई मैं तलाक किस तरह दे सकता फिर एडे वे काम माल भी अच्छा ऐसा मैं तुम पूरे चंगी गल अच्छा गल सुनो फिर किस्सा है कि इस काम ले मेरिया शर्त ने दो तेरिया सारिया शर्त मंजूर नहीं पहलिया दो कर लो केड़ी केड़ी लो सुन लो फिर इस काम का मुआवजा है जो 20,000 रुपया 10,000 पेश की मंजूर हाँ तो दूसरी गल देखो ना मम्मी को कुआरा तेरी ना मरना मम्मी शादी करनी तो तुम काम कराते ही हो सारे तो मेरी भी शादी करा देना वो शर्त है कि शादी जी मेरी होनी है ना वो होनी इस पिंड की कुड़ी ना तो होगी मेरी पसंद की यार एडी लम्मी क्यों करना वो भी सर मंजूर वो भी मंजूर एक गल हो जी तुम पर जाके दोनों ने गुफ्तगू की है ना उन्हें मैं शक पाता है तू की बिल बताओड़े पुत्र मेरा है जे लखते जिगर जिगर ए जिगर तो लग गया जे खराब बड़ा बद गया इंदा करवा लो पुत्र बद गया फिर गल है इसकी खाओ कसम इसकी कसम खाओ पुत्र पुत्र की कसम खानी पुत्र थोड़ा खाना है तुम पुत्र मुकाम की कसम ना 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 खा इसकी कसम अच्छा भी मैं इसे भी खाई की जो तू कहना मनेगा मुक गई गल लिया फिर 10,000 पेश की कटो फटाफट ठीक है बीबी जी चौधरी अहमद एक बदमाश नु मौला दाद बना के ले आ रहे जे उन्हें आंदी तो तलाक देनी जे नाले अपने पुत्र नु तारे नाल व्याह ले रात आखिरी रोड़ा भी हटा दता जी जरीना बेटे जरीना बेटे मैं तेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी ले आया वा तेरा मौला दाद मिल गया पर पुत्र एक बुरी खबर भी है मैं तो पता लगा उन्हें दूजी शादी की थी और 4 बच्चे भी ने ते हुन शायद ने तलाक दे लिया हां पुत्र तू बिल्कुल ठीक समझी है उन्हें भी समझ लेनी है किथे वे ओ एठा हाल कमरे ही बैठा है मेरे नाल चल मैं फिर मिला लेना मौला दाद तेरी बीवी आ गई हाँ बेटा जे तू मैं यदि बीवी क्या नहीं तो मैं तेनू तेन मौला दाद उर्फ शीदा चमड़ीस हाजिर जनाब अच्छा
जिस लालच की वजह सीधे चमड़ीस तो माला दाद बने सब सुन चुकी पुत्र तू गल तू अपने पुत्र खाद याद है तेरा हक कभी पूरा नहीं होगा भावे मैं मर जाऊंगा मरन तेरे दुश्मन उम्र लगे तेरे शहर तू भी जुम्मा जज बन के बोली जा रहे फिर बोलिया बड़ा फायदा चाचा ना खेडांगे ना खेडन देंगे मेरी गल सुन मौला दास समझ के मैं तेरी इज्जत करता रहा जे तू मैं कोई बदमाशी बदमूशी दिखाएगा मेरी गल तो मैं अपनी बरादरी बुला लिया होगा और तेरी बड़ी बड़ी आ जाएगी तेरी बरादरी कसाइया दी चाचा मैं तेरे चिट्टे वाला ना यात्री जाना पिया गल सुना चाचा कल फुटा कर इतों मैं तेरा जवाई बनाते नफीस तेरी यार धी लाके उथे आना जे तेरी धी हो तेरे को लगी जे मेरी फर्मा बरदार बीबी हुई तो मेरे नाम आ जाएगी चल उठ फुटा मैं मैनू अल्लाह हमेशा सलामत रखे इसलिए कि तेरी तबीयत खराब है तो मैं तेन कल्या छड़ के नहीं जा सकता तो मैं तेन काम की गल सुनावा देख मैं शोर होने की हसीयत अपने पैर पानी धो के तेन देना इन खुराक समझ के घंटे घंटे बाद पीती रही इंशाला तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी बाजी ए मैंने कोई चुमड़ी चलाता मेरा ख्याल पुलिस को बुला लिए पुलिस को बुला लिए तू कि बदतमीज भरोई ना यह गल करे तो नाले ऐसी जरूरत है मेरे हुक्म तो बगैर एक कार की दलील स्थाप लवे इसलिए कि फजल दादी को रहम दादी भाभी मौला दादी दीदी है बेटा जे तू मेरे मौला दादा ना लिता क्यों 440 बोलते वो मेरा शौहर अल्लाह करे तेरा शौहर खुशी जशन इंतजाम कर ना किया तेरी मालकन आ जा जी उस्ताद जी वेखे की 50,000 रुपया जो सानू मिल जाए तो साढ़े हालात ठीक हो जा सन के कोई ना बिल्कुल कहने तेन अख मारी नहीं उस्ताद जी गवर्नमेंट देखो ये तो तुम्हारा होने वाला साला आज तक मैं तेन ही साला अपना समझी रखू ये मेरा साला है जाड़ी के बिचों क्यों पे देता है अगो कोई ना गाना उस्ताद जी माइंड करके ओए दत्त नक ही माइंड वाला नहीं ते ऐ सू वगाई जांदा है ओए ए दी भैण ने साडे नाल जावाई फड़िया ते इने रबो फड़िया जाने ते 50,000 थानू मिलसी जेल विच है ठीक है के ना बिल्कुल ठीक ते चल आ हुन रोज दे मथे लगिए नाले लो परांदे लो शीशा लो कंजी लो साबण लो दानी लो उस्ताद जी पागल दे पुत्र जदों पटाका मारिया सजना दे पूरे अगे मारिया आ वेख साडियां टलियां मारनिया वेख ते साडे सजना दियां आउणियां वेख अलार्म खड़काना बंद कर दियो क्यों लगता तुहाडा सजना नूं उहनां दा बदमाश बनावा ना फांसी दे दित्ती ए ओए फांसी देवण वाले झूड़े दे पुत्तरा मुंह भरा हो तो गल तो चंगी की थी का जरा गल चंगी ही करिए बस ताड़ मार दे और चुप कर अरे बस बस की तू बालन छुट्टी करा रहा तेरा उसाज कितने
मेरा लाइसेंस तो पाट गया। आ वाह संतरी बादशाह का साइकिल का ही लाइसेंस होया। मैंने तेरे से ज्यादा पता है। संतरी बादशाह कोई खुशबू वाला टाई फून दे और कोई नहीं तेना की वर्दी तो खुशबू आवे। मैं देसी सेंट कद इस्तेमाल नहीं किया है। लै भी अदिए पहला संतरी वेखे जरा मेन के घर जमे है। मेरे ना रुसी ना तू रुस जानी तो मैं यही लगता है बेबे रुस गई है मां रुस गई है लाई रखना तेन की तकलीफ दी है। इस तो वड्डी तकलीफ की होनी है जो भैन एडी सोहनी च जमी ने तो मिलन किसे नहीं देंगे। मेरा दिल करता है कि उन्होंने टिंडा करा के उन्होंने दही पा के एक दूजे उत्ते छड़ दिया ना पता लगे तेरे भरा लड़न दे ना पता लगे कुत्ते लड़न दे। दफा करो उस्ताद जी घरेलू गुफ्तगू करो। अच्छा कन्न हीरिया हूं अपने तो कितों तक दूर रखेगा। जवाब क्यों नहीं दिंदा तो मतलब ने मौलेदार ने जग्गू ने सानू दोनों करेले तू बदमाशा की भैन है किरे खंजर गोश्त ना पकवा दी तो मेरी आंदा बाहर निकलिया हूं।